दोस्तों, ये मेरा मिर्च का पौधा है और आप देख रहे हैं इसमें कितनी सारी मिर्च लगी हुई है। इस पौधे को मैंने गमले में उगाया है। घर में जो मिर्ची यूज करते हैं हम ना, उसी मिर्च को मैंने इस्तेमाल किया है इसके उगाने के लिए, उसी बीज को मैंने डाला है। और आप देख रहे हैं इसमें कितना ज़्यादा फल लगा हुआ है और काफ़ी समय से हम इसको तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इसको। और मैंने इसको गमले में उगाया हुआ है, आप देख रहे हैं ये गमले में पौधा है। और आज मेरे यहाँ एक बंदर आके इस मिर्च के पौधे की कुछ टहनियाँ तोड़ के चला गया है। आप देख रहे हैं वो गमले में इसकी टहनियाँ पड़ी हुई हैं, इनसे मैंने मिर्च तोड़ी है जो कि प्लेट में रखी हुई है। मिर्च की टहनियाँ दिख रही हैं आपके गमले में, ये बंदर ने तोड़ी है जिसमें से मैंने मिर्च निकाली है। ये बहुत अच्छा फला हुआ है। मैंने इस पौधे को उगाने के लिए गमले में गार्डन सॉइल, गोबर की खाद, कोकोपीट और केचुआ खाद का इस्तेमाल किया है। मैंने तीनों चीज़ों को एक साथ मिला के और उसमें डाल दिया है, उसी में मैंने बीज को डायरेक्ट लगा दिया। देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा लग रहा हुआ है। और बस पानी का ध्यान रखा और उसको गुड़ाई किया समय समय पर, और आज देख रहे हैं कितना ज़्यादा लगा हुआ है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने घर की में जो चीज़ें रहती हैं उन्हीं से पौधे बनाऊँ। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है और मुझे पौधों को बढ़ते हुए और उनको फलते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी अपने घर में इसी तरह से उगा सकते हैं और इन्हें बढ़ता हुआ देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं चीज़ों को। देख रहे हैं कितना ज़्यादा लगा हुआ है। मुझे सच में बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है जब मैं अपने हाथ से पौधों को लगाऊं और वो बढ़ें और फलें, तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।